से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर धमकी भरी मेल का मामला, इस बार सीआईएसएफ की मेल आईडी पर मेल आया है। ईमेल में लिखा था बिल्डिंग में बम लगा दिया है, निर्दोषों की जान बचा लीजिए। इस मेल को धमकी मत समझना। मेल आने पर जयपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया था। इसके बाद एयरपोर्ट पर चलाया गया सर्च अभियान। एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों, पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की मदद से एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया। घंटों तक चले सर्च अभियान में किसी तरह का विस्फोटक नहीं। अब एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज करवा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये क्या बहस, इत्तेफाक है कि बीते 4-5 महीनों में ये चौथी या पांचवी धमकी है, थ्रेट है, और जयपुर एयरपोर्ट को लेकर ही है। हालांकि हर बार उतनी ही गंभीरता से लिया गया। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या महज इत्तफाक है कि बीते 3-4 महीनों में ये चौथी या पांचवी थ्रेट है? हालांकि ये अच्छी बात है कि हर बार गंभीरता से लिया गया, इस बार जानकारी लग पाई, मेल कहां से आया, किससे आया? विजेंद्र, देखिएगा कि पांचवी बार इस तरह की थ्रेट आई है पिछले 3-4 महीनों के अंदर, और इस बार भी जयपुर नहीं, जयपुर सहित 12 जो अलग अलग एयरपोर्ट हैं उन एयरपोर्टों को इस तरह की थ्रेट दी गई है। और इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी को न देकर जो सीआईएसएफ का ऑफिशियली अकाउंट है उसके ऊपर ये थ्रेट भेजी गई है। तो चूंकि जो शरारती तत्व हैं, या कह सकते हैं कि जो लोगों में पैनिक कंडीशन पैदा करने जाते हैं, वो इस तरह से बार बार मेल भेज रहे हैं, और सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया उसके बाद किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिल पाया, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार लोगों के अंदर इस तरह से दहशत पैदा करना चाहते हैं इस तरह के मेल भेज के। क्योंकि पहले एक शख्स ने जिसने मेल भेजे थे तमाम देश भर के एयरपोर्ट के ऊपर, उसको कर्नाटक से गिरफ्तार किया था मुंबई पुलिस ने, और संभवतः राजस्थान पुलिस भी इसको जल्दी गिरफ्तार करेगी। और उसके बाद अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये मेल भेजने वाले कौन लोग हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, और इनका आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस के जरिए उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। साइबर की टीम भी लगी हुई है, सीआईएसएफ की जो विजिलेंस टीम है वो भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। जी विजेंद्र, बिल्कुल जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।